एक बहुत ही ईमानदार ते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सन स्वर्गीय मास्टर अमरीक सिंह गिल जी। मास्टर अमरीक सिंह गिल जी बहुत ही चंगे सहनशीलता वर्ती वाले इंसान सन। गुरु घर प्रति सच्ची श्रद्धावान सन। हर एक गरीब दीन दुखे की मदद करना आप जी का सुभा सी। आप जी के किरत ते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा मौजूदा समय विच भी आप जी के परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। बीते दिन मास्टर अमरीक सिंह गिल जी अपनी संसारिक यात्रा पूरी करते हुए पंजा तत्तां विच लीन हो गए। इन्हां दे परिवार वालों इन्हां दी आत्मिक शांति लई रखे गए पाठ दे भोग 24 सितंबर दिन वीरवार गुरद्वारा हरी राय साहिब पातशाही सतवीं पत्ती सिंघा लुधियाना विखे पाए गए, जिस विच रागी सिंघा वालों कीर्तन की हाजरी लगवाई अति आईया हुई संगतां नूं उस परम पिता परमात्मा दे दर्शाए हुए मार्ग ते चलन की सिख्या दी। मास्टर अमरीक सिंह गिल जी अपने पिछे अपने परिवार विच बलविंदर कौर गिल धर्म पत्नी, जगदीप सिंह, हरदीप सिंह, बब्बी गिल सपुत्र अते समूह परिवार नूं सदिवें विछोड़ा दे गए। इन्हां दे परिवार वलों दुख विच इकत्र हुई सारी संगत दा तहे दिलों धन्नवाद कीता गया। ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਦੇਣਾ
ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਸਮੂਹ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਖਸ਼ੋ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰੋ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਰਬਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿਤ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਸਾਧਨਾ।
Thank you.
छोटी है खिल खिल भूलन हार बख्शन हार बख्शन नानक पार होता बेनती का फिर तो पता नहीं असं किन्ने को अपनी जिंदगी गुनाह किए कोई पता नहीं साह संगत जी आप अपने कोल कौन से कोई नहीं सपाई आनिया दिन खेडन लग गए थोड़ी सोची हो रही साह संग स्कूल पढ़ लग गए उदों तो लैके आप हूँ तक मैं बड़ा कुछ दिखाया असी बड़िया गलतियाँ कीतियाँ एक ऐसा इंसान जन्म लेंदा साह संग जो पिछड़ा कर बनता जब सो थोड़ी सोझी आने लगती है परमेश्वर की बदली चो लग जाती ऐसे बहुत जीव पैदा हो जाते
बहुत ज्यादा है सर गुरु को जो जिस तरह मास्टर जी मौत ने अपनी लपेट में लै लिया ये तो कोई नहीं बच सकता। जवानी में आ जाए उदों भी आ जाए आ सकती है खेती है एक चाहे हरी में पढ़ जो काल अपना समा भी कहने काल मौत को भी कहने किस तुर रहता जिते मर्जी बंदा भज लवे
जिन्हें विश्वास वाहगुरु ने दिते ये परमेश्वर की कृपा के नाल सानू श्वासां दी पूंजी मिली है। पर जदों साडा अंत समा आ जाना वो समा आ जाए सरकार बनानी रे कपड़ा लिए मेरी गल का जवाब ही दिता घोड़े तो
उतरा क्रोध में आ गया भी मैं राजा अहंकार में आ गया भी मैं उन्हें बेपत्ती करा बेइज्जती कराएगी खबे सजे दे सप बनया प्यासा सिंह उस सप तीर की नोक न चुक के वो राजे को महारिश के गर्भ च पा दिता कहना लै ना तू मैं दस पर तेरा अपमान करता तू करला की करेगा धनुआ अपने महिला को आ गया हम जेड़ा पहुंचा हो महारिशे कोई साधु महात्मा का चेला भी कट जाता गुरु को प्यार वो चेले ने आके देखा कि मेरे ऋषि के गलों में तो लोग फुलों के हार पाते थे कौन पा गया मरिया सप क्रोध आके कहना जिन्हें मेरे ऋषि के गल में सप पाया आदि ना बाणी जैसा भी जे सोर ने कलमा सुधला गुस्से में आके शराप दे दिता जिन्हें मेरे गुरु के गल में सप पाया वो अच्छे सतमें दिल में रख दिते अच्छे सत सर्प रड़ के ओरी मौत होगी ऋषि ने अपनी समाधि खोली पूछा कि सखे फिर शराब तो नहीं दे दिता क्या मैं तो जो कहना से कह दिता रौला पै गया शहर में कि राजा पेशा ने आम की कम किया ऋषि ने शराब दे दिता कि अच्छे सत मैं सर्प रड़ के मर जाएगा ऋषि वो गल शराब दिता गया राज ने कल तक पहुंचा डर गया कंबन लग गया बहुत ऐसी है गुरु को हाथी भी डर जाते हैं बी वाकई ऋषि का वचन पूरा हो जाएगा मौत तो नहीं बच सकता जाके महापुरशा को चलिया गया शहर महाराज जी मेरे तो बड़ी भारी गलती हो गई तो सब लड़के मर जाएगा मरेगा वो कहता हाँ जी बिल्कुल राज गल सच पूरी होगी तेरी मौत इवें हो जहरा काम किया तेरे का इवें होना हूँ तेरे नाल भी अज ते सतमें तेरी मौत हो जानी है कहना दसो पर हम बाह की करा कहना हूँ जाती बार तो कुछ करना जय मात पिता सतबीर भाई मनोहा नाम तेरे संग सहाई हूँ जाता एक कम करना और तेरा राज पाग ने राणिया ने कुमारा ने राणी जाने कि ना परमेश्वर तेरा ना जाऊगा बस कहते फिर की करा तू सारा सुन करना दे पाठ आप घर भी करवाएगा उ रब ने नाम ने सहायता करनी है उसे नाम ने सहायता करनी जी कहते करो जी तो पाठ करा जीवन वाला
गुरमुखो किसी बंदे का आप आत्मा की शांति वाला उधार करना वो पाठ करने वाला भावें हिंदू आ भावे आप सिख हो कोई भी है वह जीव उच्चा सुचा होना चाहिए जी माड़ी मोटी गल छोड़ोगा जिन्हें पापा का खंडन कर देना नाश कर देना कहते जी सुखदेव जी की फिर चोन हो व्यास का पुत्र से गुरमुख कहरी जीवन बहुत लंबा बना जाए वो चुन लिया कहती हूँ करो जी वजीर कहते राजे तू घबरा ना वो घबराया हुआ भी मौत आ जानी है तू घबरा ना एक सरोवर तला सिखे शीशे का महल बना दें राजा की कर सकता रातों रात सा सके जी शीश महल बना दिता तला के बिच रस्ता बना दिया कीड़ी आँदी भी दिखती है कहते सब के भी आजूगा जो आजूगा रोक देंगे राजे तू बेफिक्र है अपना पाठ सुन लो जी पाठ शुरू हो गया राज ने एक मन चित हो के हम पाठ सुनना शुरू कर दिता त्यार बचा कहता खाना पीना भी भुल गया कहता जेड़ा एक कर्शन रब का है मैनू नरका चके खड़े पैर अदाले वजीर खड़े ने सेनापति खड़े ने फौज खड़ी है सियान नहीं तो सब पावर दिखूगा वो कड़ा कीड़िया भी दिखता नहीं गा अंदर सारे पाठ हो रहा सुन रहा जब लंघी जाते गुरु प्यारे बाणी भी जाऊगा दम दम सदा संभालता दम ना बिरथा जाए हूँ दम दम अपने गेठे में चला रहा आप दम तो भाव सह जरा एक सह होगा कोई दम के नाल रब को याद करता ओ दम दम सदा संभालता दम दम सदा संभालता छकना छकाना छकता भी उधर टाइम ना खराब हो रहे कह रहे जल पानी लाना निर्वाह करता रहा गुरमुख प्यारो सारा पाठ धर्म नाम का सुनता रहा सुनता रहा टीके करने कर दिते भी सावधान हो जाओ महात्मा का श्राप पड़िया वह कि सच मैं सप लड़के ही मरेगा सारे गुरमुख प्यारे जो ने पुलिस वाले नाके ला दिते हथियार हाथ खड़े ने गुरमुख प्यारे हर लोग फुलां की माला भेटा लैके करते सन उसे जो नौकर चाकर सन जिते पाठ हो रहा कुछ माला लैके आए फुलां की अपना देखे गुरमुख प्यारे दस दिन छोटा जि गठला है सप हों इन कुंडा सप कहते हैं कुंडल मार के एक फुल के बच्चे बैठा सर देखो विधि बनती है जो कोई भी अंत समा आता हम जो मास्टर जी आता अंत समा आया तकलीफ हो रही थोड़ी जी शरीर करके शुक्र जो घटवा जाती सी बच्चा ने उपराला किया अफसर ले गए डॉक्टर ने पूरा इलाज किया बुधवार को छुट्टी मिल जानी सी मंगलवार की रात चंगे भले ने जल पानी छकिया भोजन छकिया अब जो स्वास्थ बाकी लैन देन से जोड़ा कुछ रहा टका दो टके कह लो रहा रात चंकी बताई पर अमृत वेले आके शरीर को तकलीफ हो गई ऐसी तकलीफ आई जो ज
जान ने बाबा कोई बार ही चली पहला गरीब आई नहीं दवाई बुटी ना घट जाती सी बाकी योजना रात को बुधवार जब तड़के आई तकलीफ और जान ने बाबा की सारी फौज सावधान हो गई भोग पैना से साधु सत मैदान कुछ माड़ा फुला सप बैठा गुरु कह जो समा आ गया जो भोग पै गए जो राजा मथा टेक थलो नीवा सरकार लगे उस सप रुक के मथे में डंग मार दिता रखते सतनाम और एक मिनट सकेंट उधर नहीं होया देखो विधि किमें बनी जेडे बाहर पहले लगे थे हथियार फड़ी खड़े थे सब पाऊगा सब की जोर समझ बढ़ जाए थे मार मुकावे और गुरमुख प्यारे जो समा आ गया कोई हथियार नहीं चल दिता कुछ नहीं होया कि विधि अंदर चला गया तो मौत हो गई इस करके गुरमुख प्यारे गुरु की बाणी पहले पातशाह प्रबोध तन जोर अर्पण नाके सज्जन पपण फेरे पदड़ तक जमा हार रंग मारना प्यारा जा जीवना ओला दिल थोड़े थके भया प्राणा छोड़ा सज्जन मेरा रंग जय सते जीरान अम्मी बजा गुरुआ तेरे मां एक धागना इन बाबा पैसा मारा कह दें एक जवानी जोबन एक फुल ये सदा खड़े नहीं रहते गुरमुख पैरों करना अज आ गया किसी बंदे थोड़ा समा आता पासा बढ़ जाता और कंगाल बन जाता आ जवानी आँदी है बचपन आ गए जवानी आ गई मोटिया तो निकलता पर जो समा बढ़ीपा हो लग जाता शरीर कमजोर हो लग जा जवानी किधरे चली जाती है खत्म हो जाती है फुल टैग का गुरमुख प्यारे गुलाब का वह समा आ गया वोदिया पत्तियां भी मुड़ जा चीजा सदा नहीं रहनिया बाबा महाराज धारणा पढ़ते होते सन जो कि विराग का समा होना सारे समा थोड़ा है बाकी हो रहा पर समय समाप्ति कर देनी है पर जो सानू प्रशासन ने सर थोड़ा जहा बैठ रहे अपने ख्याल रखे आपने संभालना पैना अपना ख्याल अपने आप ही रखना पैना Thank you.
दुख छुपाना बड़ा मुश्किल है।
ਉਹ ਦੁੱਖ ਪੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਟੇ ਵਾਧੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੰਖੇਪ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਦੇ ਦਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੀਵ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਕੌਣ ਆ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੋ ਬੋਲੋ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁੱਢ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੀਗੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ, 1600 ਜਨ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ, 1800 ਉੱਥੇ ਗਏ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਈ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੋਨ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਫੋਨ ਖਰਾਬੀ, ਫੋਨ ਲੱਗੇ ਹੀ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਗਏ ਢੇਲੋ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਧਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰੁ ਪਤਨੀ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਬੈਠਣ ਸਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੀਬੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਪਾਣਾ। ਬੀਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਧਾਰ ਲਾ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਾਹਾਂ ਸਵਾਸ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਧਰਮਪਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਕੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗਾਹਾਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਛੇਤੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਪਈ ਆ, ਨਾਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨੇ ਪਰਵੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵਾਹ 45-50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਕਾਲਾ, 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਹ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀਆਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਿਰ ਬਸ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਸਭਾ ਕਰਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਹੁਕਮ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਂ ਨੀ, ਕਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਆ ਜਵਾਬ ਦੇਣੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਬੀਬਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ, ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੱਡੀ ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ, ਛੋਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੁਣਿਓ। ਉਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੀਬਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਪਤੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਹੁਣ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਦੀ ਡੈਥ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟਾ ਭਾਨੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਵਿਚਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਨੀ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂੰਗਾ, ਕੋ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੂੰ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਬਿੱਠਾ ਮੰਨੂੰਗਾ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੰਨੂੰਗੇ। ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ
ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਤਰ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਜੜੇ ਹੋ ਤੇ ਤੋਂ ਪਾਸੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਸੁਰਜਨ ਲੱਭਤੀਣ ਜੋ ਦਰਿਆਵੇ ਸੋ ਜੋ ਜਾਵੇ ਕਰਦਾ ਕੋਚ ਪਹਿਲ ਫਰਨਾਈ ਸੰਗ ਚਲਤ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਦੋ ਦਬਸ ਉੱਪਰ ਮਰ ਗਿਆ ਤੂੰ ਸੋਇਆ ਜਾਗ ਆਣਾ ਕਹਿ ਜਗ ਜੀਵ ਸਤ ਕਰ ਜਨ ਇਹ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਪ੍ਰੀਤ ਜਗ ਰਚਨਾ ਸਭ ਝੂਠ ਰਹਿ ਜਾਣ ਹੋ ਰੇ ਬੀਜ ਕਹਿ ਨਾਮ ਸਿਰ ਕਚਨਾ ਰਹਿ ਜੋ ਬਾਲੂ ਕੀ ਪੀਰ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ ਜਾ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਵਾਰ ਔ ਨਾਨਕ ਕਛੀ ਸੁਪਨੇ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਵੇਂ ਮੰਜੀ ਦੇ ਪਿਆ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜੈਸਾ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਣ ਕੈ ਤੈਸੋ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕੀ ਕੀਜੀਐ ਜੋ ਅਣਹੋਣੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਰਾਵਣ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਰਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਉਹਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਸ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾਮ ਕੋਈ ਜਪੀ ਜਾਂਦਾ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਛੋੜੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲਈ ਹੈ ਜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅਲੱਗ ਦੋ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਮਿਲਿਆ ਦੋ ਨੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵਿਦਿਆ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਟਹਿਕੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੋਰੋ ਮਨੋ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੰਜ ਦੋ ਮਿੰਟਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੀਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੋ ਚਾਰ ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੀ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਆ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਗਏ ਬੱਚੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀ ਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਆਪਾਂ ਮਰਨ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਸੀਆਂ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਠੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਮਰਾਉਂਦੇ ਮਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਹ ਸਮਝੀ ਆ ਕੇ ਬੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਝਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨੇਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ
कि कहते ने जिसकी वस्त से आके रख है पर किया गया माने माथे। हर बंदा नहीं गल कह सकता कि साडा मोह इन्ना पिया व्या परवाना बंदा दे नाल मोह छुड़ाना मुश्किल हो जाता सारी जिंदगी तड़ तड़ के मर जाते हो जान दे विच। जिसकी वस्त छोटे साहबजादे देख लो आप फिर अपना कोई पुरानी चढ़ाई कर जाता हूँ तो साल ला गए आप हफ्ता हफ्ता रख लें फ्रिजा दे जो भाई मुख देख लो बार कंट्रिया बैठे तो जो मुख देख लो भाई अखीरला यह दर्शन मेला हों शरीर का जो बाद आप चाके मुड़िया च लै गए अगर भेट कर दिता मिट्टी आप सिक्ख्या देते हैं सराहना ला के जल छा के खूह उठे कंधा सराहना ला के पै मास्टर जी के सारे परिवार वालों जी आया बहुत बड़ा धन्यवाद। देखो मिलाप देख लो परिवार बारह बजे देख लो लैन लगिया ने एक प्रेम मिलाप इतों पता लगता कि परिवार का कितना बड़ा मिलाप है। सारी संगत का परिवार वालों धन्यवाद। भाई हरनेक सिंह जी का प्रधान जी मनजीत सिंह जी का जिन्हें सानू पता दिता इन्हों का धन्यवाद जेडे इन्होंने पल पल में इन्होंने दुख दे सहायू सारी संगत सारे नगर का धन्यवाद। आओ गुरु के पैर हुई फुलों की खिमा करो हूँ छे पुड़े ना सब का कीर्तन होगा जितने माई भाई आए हो असी भी करांगे तुसी भी करनिया भाई साहब करके अपना आया का ता समा सफला होना अपने सारे माई भाई को हथ बन के बेचते जिते जिते बैठे हो पावे थले ही बैठे हो ज्यादा जो अरदास हो गए सारे माई पे मन की एकाग्रता करके गुरु चरणा अरदास कर उच्चे पातशाह अपने सेवक के अवगुण चारियो अपना बच्चा जानकर चरणा नवास बख्श दे नखित दुनिया से बचा पिछे परिवार के सिर से मेहर का हाथ रखियो भाने बचा का तुम बल बख्शना तंदुरुस्तियां बख्शो अरदास तो बहुत बेभुल गलतियां हो गई होगा भुला चुका माफ करो संघ का धन्यवाद भावना साहब का कीर्तन अरदास I'm gonna make you mine।
सदे उठी जाए दे महावाग अनुसार
सरदार अमरीक सिंह जी अकाल चलाना कर गए सन। उन्हां दी अंतम अरदास नूं बाणी दे सहज पाठ घर विखे करवाए गए। इस वेले गुरबाणी दे कीर्तन गुरमत विचारा आनंद साहब जी संगत दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखना पंथ नूं चढ़दी कला बख्शिश करनी भावना पूरियां करनियां आप जी दे परिवार वालों सेवा विच जुड़दियां बेअंत सेवावां भेटावां हाजिर होईयां प्रवान करनियां आशीर्वाद बख्शणे आप जी दी हजूरी अंदर कड़ाह प्रसाद दियां देगां सज के हाजिर होईयां हन। आप जी के दर प्रवान होवे प्रवानिया प्रसाद संगतां विच वरतावण दी आग्या बख्शणे जो छके आप जी दा नाम जपे किरपाल दा करणी पातशाह जीओ सरदार अमरीक सिंह जीआं नूं चरणा कमलां विच निवास देणा परिवार नूं भाणा मिठा करके मन्नण दा बल बख्शणा पातशाह जीओ किरपालता करो समूह सेवक परिवार नूं आशीर्वाद बख्शो चढ़दियां कलां दियां बख्शिशां करो संगतां दी हाजरी बेनती प्रवान करो हुक्मनामे बख्श के निहाल करो जी सरबत दे कारज रास करणे सही प्यारे मेल जना मिलिया तेरा नाम चित आवे नानक नाम चढ़दी कला तेरे पार होए सब मिले गे
बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। हम परिवार वालों बेनती है सरदार चरणजीत सिंह जी सैकटरी साहेब पिंड लोहारा वो संगत का धन्यवाद करेंगे। बेनती है सरदार चरणजीत सिंह जी सैकटरी साहेब लोहारा वाले संगत का धन्यवाद कर। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। नाल कार्ज के बोहे शब्द अवतार चरण दास के मालिक लोक पर लोक सहाई तन 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 सहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी विच बहुत ही नेक शख्सियत मास्टर अमरीक सिंह जी की अंतम अरदास पहुंची गुरु प्यारी साहब संग जो दास की फतेह प्रदान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी का प्रवचन है जिहा जिवी लिखिया ते हुक्म कमाए कले आवै नानका सदी उठे न जाहिर महबैठा अनुसार। जिन्हें समा निरंकार ने मास्टर अमरीक सिंह जी ने विचरण का बख्शिया सी उन्ना समा अपनी सुचेतता नाल गुरु की रहमत नाल वसर करके संसार तो सदूं सदा लई अपना जीवन अलोप कर गया। सत्संग जी ये जिहड़ा संसार ते आना है ना असी अपनी मर्जी नाल आउंदे हां ना असी अपनी मर्जी नाल संसार तो जाउंदे हां। सानू घलण वाला भी निरंकार है सानू लजाण वाला भी निरंकार है। जीव जो दाते का हुक्म होंदा है उहदी पालना करके संसार तो चले जाते। बाकी जिहड़ा समा सानू बख्शिया है संसार ते जिन्ना भी जीव नूं समा बख्शिया है ये समा पैसे कमाने लई नहीं ये समा महल माड़ियां जायदाद बनाने लई नहीं ये परिवार नूं बनाने लई नहीं है। इहदे नाल इक पक्ष होर भी है जिथे ये कार्ज भी करने हन उत्थे उस प्रभु की बंदगी भी करनी है। जिथे साडे सत्कार जो मास्टर अमरीक सिंह जी हैं क्योंकि तीन साढ़े जी पड़ा हम एक करसानी एक डॉक्टरी एक टीचर एक परोपकार ही कार्य है। टीचर ने विद्या ही देनी है अनेक व्यक्ति उन्होंने तो सिक्ख्या लेके अपना जीवन संसार बचाने इतनी सुचेतता लेंगे ये परोपकार ही कार्य ही परोपकारी है। सो सत्संग जी इतने तक परिवार की गल है साढ़े बाबा जी होरां ने बहुत ही परिवार के मताए बहुत ही विस्तार आप जी को जाणू करवाया है क्योंकि कुछ परिवार की जी नीयत होंगी है जुछ दाते देनी एड्डी वीडी होंगी है उन्हें च हलेमी उन्हें प्यार उन्हें जी हिम्मत कर उदम कर सारा दाते की बख्शिश होंगी है। सो परिवार बड़ा सियाणा परिवार है। बीबी बलविंदर कौर जी वो भी अध्यापक हैं परिवार पढ़िया लिखा परिवार है सात संग जी ये जिन्ना भी समा दाते ने बख्शिया वो कोई रोक नहीं सकता। असी ये ठीक है भी असी जिहड़े सहायक होंगे हाँ चाहे पुत्र हाँ चाहे स्त्री है चाहे पति है चाहे होर रिश्तेदार हैं असी उपराला जरूर कर सकते हैं। अपराला जिहड़ा है अपराला ही है सिर्फ बाकी कार्ज दाते का उन्हें जदों भी समा आया जिन्हें हम दस दें बाबा जी कहते जी समा थोड़ा जिहा ही आया शरीर में माड़ा जिहा कमजोरी महसूस हुई फटाफट बच्चों ने बड़ी कोशिश की डॉक्टर की सहायता लेने की भी कोशिश की पर नहीं क्यों जो हुक्म है कहा जा क्या जाने कि मरेंगे कैसे मरना ईश्वर जानता है। सत्संग जी मैं दो एक मिनट तो
सारे ही सोचो एक मसाल है छोटी जी, चार बच्चे पैदा हुए इकट्ठे, उन्हों का समा चार बजे तड़के का है, चार बच्चे पैदा हुए, एको ही तरीका एको ही मर्यादा सारे बच्चों का, एक बच्चा पैदा हो गया 25-30 किले की चंगी फैक्ट्री के बाइकर पैदा, दूजा बच्चा पैदा होया वो कोई 10-12 किले छोटा जहा कल है वो पैदा होगा, तीजा बच्चा पैदा हो गया 50 का जगह पिछे 3 भरा हो रहे हैं, एक चौथा वो पैदा हो गया, चौथा बच्चा पैदा हो गया नहर से ना कुली है ना घर है ना दारा ना खाता, देखो बच्चों का जन्म होया एको ही मर्यादा है, बच्चों का आना जो हम जो 25-30 किले प्रॉपर्टी के पैदा होया है उन्होंने कमाने की लड़ नहीं सिर्फ उन्होंने रक्षा करने की लड़ है, जोड़ा दूजा बच्चा है उन्होंने थोड़ी जी मेहनत करनी पड़ी है वो जमीन अभी है, जोड़ा तीजा बच्चा है वो 10 का चाहिए है सारी उन्होंने सारा कुछ करना पैना, चौथा बच्चा जमा ही कुछ नहीं है, सो सत्संग जी आप ध्यान ना देखो असं जे इतने आए हाँ वो कुछ करके आए हैं, जिथे जिथे सू रुकना मिल गया साढ़े बैठे बाई जी चंकी जायदाद का तो नगर ही एड्डा व्डा वधिया नगर है जिथे बहुत ही वही परमात्मा की भगती की इतने बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी जायदाद प्रॉपर्टी इतने ज्यादा मिलियाँ थी ज्यादा बड़ी ताकत के मैं सर, इस करके जोड़ा साढ़े से पिछे किया असं इतने सू मिले जे असी हम इतने करा तो सू प्राप्त हो, जे पिछे किया तो इतने मिले जे इतने करा तो अगह प्राप्त हो, एक इशारा है सर जी तुम बड़े सारे स्याण हो फिर ना मैं बहुता स्याणा नहीं हाँ, जिमें महाराष्ट्र जी उन्होंने जीवन से बड़ी दाते ने बड़ी दर्शन की विद्या पढ़ी तो पढ़ाते ही रहे परिवार की बहुत वधिया मर्यादा ने पालन पोषण किया, दो बेटे हैं एक बेटी है, बेटा है बड़ा जरा भाई जगदीप सिंह जी, छोटा है भाई तनदीप सिंह जी प्रधान, तो बीबी जी बेटी है बीबी करमजीत कौर, मैं तो तुहानू तिना भैन के वीर एक बेनती करना है, ठीक है मास्टर जी अपना जिन्ना समा नवा के चले गए हम कुछ जिम्मेवारी थोड़े सिर पर है, जी बीबी बलविंदर कौर जी है जो पति का बड़ा सहारा हूँ, तुम हम एक अपने आप में सियाने बच्चे बन के उस अपने पिता की जिम्मेवारी नवा के भैन बीबी बलविंदर कौर जी को महसूस नहीं हो देना कि मेरा पति चलिया गया, जे पति चलिया गया तो दो मेरे नाल सहायक तीजी बेटी मेरे सेवादार हैं, ये ध्यान वाली गल है, सत्संग जी बजुर्गों की सेवा तो अभी पिछका पिट्ठे कर रहे हैं पर जे ध्यान ना देखो जे असी बजुर्ग की सेवा करनी है, बजुर्ग की होंगे रब के दर्शन नहीं होंगे, जे रब के दर्शन होंगे करने तो साढ़े बजुर्गों के दर्शन करने उन्हें सेवा करना, जिन्होंने अपने बजुर्गों की सेवा की है माता की सेवा की है पिता की सेवा की है दादे की सेवा की है वो रज के खाते हैं, सो इस करके ये बेनती है थोड़ा ध्यान दो पर सारे सियाने हाँ ये जो भाणा है सत्संग भाणा तो निरंकार के हथ है, बाबा जी उन्होंने बड़ी तदरी दी दसवें पातशाह के इतिहास में थोड़ा इशारा दिता, हम दसवें पातशाह की जी बड़ी महान कुरबानी है उन्होंने भाणे को सिर चुकाया है, सो इस करके बीबी बलविंदर कौर जी सियाने सबका मंत्री सर जगदीश सिंह जी कच्चा MLA सवाल साहब जी वो भी अफसोस करनी कह रहे आगे गए खाली वाले गए उन्होंने शुक्रिया है जी, सो सत्संग जी जीवन जोड़ा है बहुत ही कीमती समाज में मिलया, ये समा असं बैठिया के खांडिया के कंधा के बैठे सत्तों के बैठे गुआई जाते हैं, दादे का हुक्म है 2.5 घंटे सानू मैं तेन सारी रात बख्शी है सारा सुख बख्शिया तू सिर्फ मैं 2.5 घंटे देने हैं, आप 2.5 घंटे लाने रहा जिन्होंने 2.5 घंटे लाए हैं सत्संग जी और रहमता ने माल कुछ लेके गए हैं, सो आप सारे ही तुम बहुत ही प्यार सत्कार नाल
ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਇੱਕ ਚਰਨ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਇਹ ਭਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਗੁਆਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਘੱਟਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਬੀਬੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਲਵੇ, ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਥੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਹ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗਰੀਬ ਨਗਰੀ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਢੱਕੀ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਨਾਥ ਬਾਬਾ ਟੀਚਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਗਰ ਨਾਲ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਲਈ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਕੁਛ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛੱਕ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸੋ ਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਆਪਣੇ ਬਖਸ਼ਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਖਬਰ ਲੱਗਣਾ।